हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ क्लास टेंथ के परिमेय 6.1 यानी चैप्टर नंबर 6 का जो हम लोग चल रहे हैं अभी परिमेय 6.1। इस वीडियो में हम लोग को आपको आसानी से सिद्ध करके आपको बताएंगे। प्रश्नावली 6.1 को हम पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका देख लीजिएगा, लिंक हम नीचे दे देंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कहा गया है। ये सिद्ध करने वाली जो क्वेश्चन होती है बहुत ही थोड़ा सा टफ तो होती है, लेकिन आसान हो जाएगा कब, जब आप रिवाइज करते रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और सिद्ध करें कैसे करेंगे। देखिए, कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोई भी एक त्रिभुज छाप लेंगे, हम यहाँ पर एक त्रिभुज छाप लिया, आप लोग स्केल की सहायता से छाप लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब एक रेखा खींचना है, किसी एक भुजा के समांतर खींचना है, कोई भी भुजा के। या तो हम देखिए, हम बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, जैसे ये वाला हम एक रेखा खींच दिए, लिख दीजिए ये सी हो गया, ये आनंद देंगे हम डी और ई। तो देखिए, बी सी भुजा के समांतर डी ई एक रेखा खींच दिए, एक समांतर खींच दिए समांतर। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए। तो देखो, ए बी भुजा को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और ए सी भुजा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए और ताकि फिगर छाप लेने के बाद आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो चलिए बी सी भुजा के समांतर तो हम रेखा खींच दी, इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। तो देखो, इन दो भुजा, तो बी सी भुजा के समांतर खींचे तो इन दो भुजा क्या बचा, एगो ए बी बचा और एगो ए सी बचा। तो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, खींच जाए तो ये दो भुजाएँ एक ही अनुपात में। तो ये दो भुजाएँ कौन वाला बचा, हम बी सी भुजा के समांतर खींचे तो दो भुजा कौन वाला बचा, एक बचा ए बी और एक बचा ए सी। अब ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात, अनुपात का मतलब आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे, बट्टा होता है। इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि जो ये जो ए डी जो है, ए डी का अनुपात होगा डी बी के और ए ई का अनुपात होगा ई सी के। ये वाला प्रमेय हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया। हम तो कह सकते हैं कि जो ए डी, अब चलिए हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे लिख लेंगे। तो हमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे, यानी जो जो हमें दिया है, क्या क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी के समांतर क्या है, डी ई है, ठीक ना। बी सी समांतर डी ई है, ये हम मान लिए, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो भुजा जो हम समांतर खींचे हैं डी ई बी सी के, तो वो अन्य दो भुजा जो बचा है ना, वो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। आई मीन देखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक ही अनुपात में। तो यहाँ कर देंगे ए डी, ए डी का अनुपात हो जाएगा डी बी, डी बी बराबर इधर ए ई का अनुपात हो जाएगा आपका, हो जाएगा ई सी, ये हो जाएगा ई सी। एक भुजा के समांतर खींचिए, बाकी दो को जो भुजा बचा है उसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है, माने बराबर दोनों होगा। अब आपको यही वाला आपको सिद्ध करके लाना है। इसको सिद्ध कैसे करना है, इसके लिए थोड़ी सी हमको रचना करने की ज़रूरत पड़ेगा। अब हमें रचना क्या करना है, तो देखिए ध्यान से रचना, क्योंकि ये परिमेय है, परिमेय को आपको सिद्ध करने के लिए किसी न किसी तरह से आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी रचना करना पड़ेगा, आप लाइन बाय लाइन समझते केवल चलिएगा। रचना करते हैं कि यहाँ बिंदु डी से, बिंदु डी से ये जो है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लंब खींच देंगे, क्या करेंगे लंब खींच देंगे। फिर यहाँ बिंदु ई से हम क्या करेंगे, यहाँ ए डी पर लंब खींच देंगे। तो चलिए हम यहाँ लंब खींच देते हैं,
लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों खींचे अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आप डॉट से रचना कीजिएगा, हम भी डॉट से कर दे रहे हैं। अब यहाँ नाम देते हैं हम लोग एफ और यहाँ नाम देते हैं हम लोग जी, और ये क्या करेंगे बी ई और डी सी, ये भी क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो आप भी मिला दीजिएगा इस तरह से। चलिए हम मिला देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग इत्मीनान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। इतना कुछ हम क्या कर दिए, रचना कर दिए। अब ये इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे कि डी जी, डी जी लंब है किस पर, ए ई पर, ए ई पर, तथा ई एफ, ई एफ लंब है किस पर, ए डी पर, ए डी, ठीक है, ए डी पर। पूर्ण विराम दिए, उसके बाद क्या किए, डी सी और बी ई को मिलाए और लिख देते यहाँ पर, तथा चाहे और डी सी और बी ई, बी ई को मिलाए, को मिलाए, ये हम रचना कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति को हम लोग प्रमाण भी कहते हैं, यानी अपने हम जोगाड़ी में लग जाएंगे कि इसको सिद्ध कैसे करना है। जैसे आपको कोई कह देगा कि आप फलना मतलब मिश्रा जी के बेटा हैं, आप सिद्ध करके दिखाएं, तो आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, अपने पिताजी का आधार कार्ड लेकर आएंगे, ठीक ना, अपने अपना प्रमाण देंगे, तब आप सिद्ध कर पाएंगे कि हम मिश्रा जी के बेटा हैं, चाहे यादव जी के बेटा है, किसी को भी कह सकते हैं। तो इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत पड़ेगा, मतलब क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो इतना तो रचना कर लिए, सिद्ध कर लिए, उसको बता दिए कि हम यादव जी का बेटा है। तो चलिए अब हम लोग प्रमाण के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब लेकर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये ए डी और ये जो डी बी, हमें ये सिद्ध करके लाना है। आपको ध्यान रखना है, जो सिद्ध करके लाना है वो आपको ध्यान रखना है कि हमें सिद्ध करके क्या लाना है। तो त्रिभुज में देखिए ध्यान से, तो त्रिभुज में क्या क्या है, यहाँ पर एक एक त्रिभुज देखिए डी ई बी, केवल ध्यान से देखिएगा डी ई बी, और यहाँ से डी ई सी, डी ई सी, ये दोनों त्रिभुज को देखेंगे ना, दोनों का आधार सेम है डी ई, दोनों का आधार क्या है डी, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। इसको अलग करेंगे तो देखिए डी, यहाँ डी है, यहाँ हो जाएगा ई, यहाँ हो जाएगा आपका ये हो गया बी, तो डी ई बी, इसका आधार क्या है डी ई है, और इधर देखिए डी ई सी, डी ई सी, इसका भी आधार क्या है डी ई है। तो ये देखिए, ये दोनों का आधार सेम है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो जब ये दो वो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ध्यान लिख देंगे कि त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार, एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखा बी सी समांतर डी ई के बीच स्थित है, स्थित है। अब ये तो मान लिया ना कि एक ही आधार डी ई है और एक ही समांतर रेखा बी सी के बीच में दोनों स्थित है। जब इस तरह से रहता है तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में इसे पढ़ चुके हैं कि अगर एक ही आधार रहेगा और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित रहेगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल के, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या आ जाएगा क्षेत्रफल में बराबर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं समीकरण एक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पकड़ते हैं त्रिभुज ए डी ई में, पकड़िए त्रिभुज ए डी ई, पकड़िए क्या सीधे लिख देते हैं का क्षेत्रफल, इसके हम अनुपात कर दे रहे हैं त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर हम लिख दिए बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई बटा
इसका क्या होता है, एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ए डी ई में आधार क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए डी ई में। आप बोलेंगे यही त्रिभुज को हम क्यों पकड़े, आप याद कीजिए हमको लाना क्या है, ए डी लाना है और डी बी, इसीलिए ए डी ई और डी ई बी वाला हम पकड़े हैं। तो देखिए ए डी वाला आधार हम क्या हो जाएगा, ए डी, आधार क्या हो जाएगा ए डी, तो ये वाला लिख लेते हैं, एक बटे दो का एक बटे दो आधार हो जाएगा ए डी, ऊंचाई ऊंचाई आपका हो जाएगा ये ई एफ, क्या हो जाएगा ई एफ। अब आपको डाउट रहेगा कि ये डी ई ऊंचाई क्यों नहीं होगा, डी ई इसके समांतर है, इसके लंब नहीं है, इसलिए रचना करके हम ऊंचाई क्या ले लिए, ई एफ, तो यहाँ ऊंचाई ले लेंगे हम लोग ई एफ बटे, फिर यहाँ एक बटे दो का एक बटे दो, इसको एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रखिएगा ठीक ना, जैसे का तैसे लिखते चलिएगा। आधार तो इसका आधार मान लेते हैं हम लोग डी बी, क्यों, क्योंकि हमको डी बी चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी बी। इसका ऊंचाई देखिए इस त्रिभुज में, देखिए डी ई बी में, तो डी ई बी में इसका तो डी ई तो ऊंचाई तो हो नहीं सकता, देखिए शीर्ष बिंदु जब ई है तो ए डी ई में ऊंचाई ई एफ हुआ, तो डी ई बी का ये तो ऊंचाई नहीं होगा, इसका ऊंचाई लेने के लिए इसी रेखा हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यही वाला इसका ऊंचाई हो जाएगा, यानी इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डी ई ऊंचाई नहीं है, इसका ऊंचाई पकड़ने के लिए इसी रेखा के बराबर जाएंगे और यहाँ से ई एफ इसका हम ऊंचाई लेंगे, क्योंकि शीर्ष बिंदु इस त्रिभुज का ई है, इसलिए इसका ऊंचाई भी क्या होगा ई एफ, तो यहाँ से वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ई एफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा ए डी बचे, क्या बचेगा डी बी, ए डी बटे क्या बचेगा डी बी। अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग समीकरण दो, क्योंकि देखिए एल एच एस आपका आ गया है, ए डी बटे डी बी अब आ गया है, कैसे आया, ए डी ई इसमें ए डी आया, त्रिभुज पकड़े डी ई बी इसमें डी बी आया ठीक है। अब हमको क्या लाना है, ए ई बटे ई सी, अब ए ई बटे ई सी कैसे आएगा, फिर ए डी ई त्रिभुज में पकड़ेंगे ठीक है, उसके बाद फिर डी ई सी में पकड़ेंगे, तो इसमें ए ई बटे ई सी आ जाएगा, और दोनों समीकरण को मिला देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लेंगे अब त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका अनुपात करते हैं त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा एक बटे दो गुना आधार गुनी ऊंचाई, इसका भी हो जाएगा एक बटे दो गुनी आधार गुनी ऊंचाई, ये तो ठीक हो गया। अब चलिए इसको भी जैसे का तैसे रखेंगे, इधर जैसे का तैसे रखेंगे ठीक ना, सब साइड में लिखते चलिएगा। इसका एक बटे दो का एक बटे दो रहेगा ठीक है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं। इसका आधार इस बार हम लोग क्या मानेंगे, ए ई मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए ई। आप बोलेंगे त्रिभुज जो आप पकड़े हैं कि त्रिभुज ए डी ई में, इसमें आधार माने ए डी, इसका आधार क्या माने ए डी, तो हमको ए डी चाहिए था इसलिए ए डी मान लें, अभी हमको ए डी ई में आधार हमको ए ई चाहिए, तो अभी हम मानेंगे ए ई गिना ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, अभी ऊंचाई हम ए ई एफ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ई एफ ना पकड़ के ये वाला हम क्या पकड़ेंगे ऊंचाई वाला, अभी हम डी जी पकड़ेंगे। डी जी क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए जब जाएंगे डी ई सी के लिए, तो इसका ऊंचाई यहाँ से लेकर इसी रेखा में बराबर जाना पड़ेगा और इसका ऊंचाई डी जी लेना पड़ेगा, ताकि डी जी दोनों में कट जाएगा ठीक है, तो ऊंचाई लेना पड़ेगा आपको डी जी। फिर नीचे लिखेंगे एक बटे दो गुना आधार, आधार इसका अभी हो जाएगा ई सी गुना ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा डी जी, यहाँ से डी जी कैंसिल कट जाएगा, ये एक बार दो कट जाएगा, इसको जैसे का तैसे रखेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब इसको मान लेते हैं समीकरण दो, समीकरण क्या मान लेते हैं दो मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए समीकरण एक एवं समीकरण दो को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, क्या मिल रहा है ए ई बटे ई सी और ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, आर एच एस इसका मिल गया, इन दोनों समीकरण का आर एच एस मिल गया, लेकिन एल एच एस नहीं मिला। एल एच एस का अर्थ मतलब देखिए, यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, यहाँ भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, यहाँ त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल है, यहाँ त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल है। अगर ये दोनों एल एच एस बराबर हो जाएगा, तो इसका आर एच एस भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये मैथ का रूल है। तो यहाँ डी ई सी और यहाँ डी ई बी,
तो डी ई सी को हमको डी ई बी बनाना है, यहाँ डी ई बी है ना, यहाँ भी हमको डी ई ई बनाना है, डी ई बी बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं त्रिभुज, इसको ए डी ई का क्षेत्रफल का जैसे का तैसे लिखेंगे, बट्टा त्रिभुज डी ई सी को, त्रिभुज डी ई सी को हम लोग डी ई बी लिख सकते हैं। हम लोग प्रमाण में माने थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ डी ई सी के बदले हम लोग डी ई बी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डी ई बी का क्षेत्रफल, कहाँ से, समीकरण एक से, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखिए इसका LHS और इसका LHS बराबर हो गया, तो इसका RHS RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके नीचे लिखिएगा, ठीक ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण दो एवं समीकरण तीन से, इसको समीकरण तीन मानना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, लिखेंगे समीकरण एक, इसको नोटन करने के बाद यहाँ जाइएगा, ठीक ना, समीकरण एक एवं, सॉरी एक नहीं, दो एवं समीकरण तीन से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, समीकरण दो और समीकरण तीन में इसका LHS इसका LHS बराबर है, तो इसका RHS यानी AD बटा DB बराबर, इसका RHS AE बटा EC यानी LHS LHS बराबर है, तो RHS RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम या लिख सकते हैं प्रूव्ड, दोनों में जो आपको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि हमको यही सिद्ध करके लाना था। परिमेय थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आप समझेंगे ना, थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको, हम फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। कहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर डी ई रेखा खींच दिए, इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये शॉर्टकट में हो गया इनडायरेक्टली, तो यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, आपको ये सिद्ध करके लाना है। ये सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की जरूरत पड़ा, तो हम रचना कर दी। ये रचना करने के बाद ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्यों किए, क्योंकि एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए आप पकड़ लें त्रिभुज ए डी ई में इसमें आया ए डी, फिर डी ई बी में इसमें आया डी बी, तो इसका एल एच एस आया, फिर इसी प्रकार में ए डी ई वाला में इसमें आधार ले लिए ए ई, और इसमें डी ई सी वाला में इसका आधार लिए ई सी, तो एल एच एस और आर एच एस क्या आ जाएगा, बराबर। फिर याद रखिएगा यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों एल एच एस में बराबर कीजिएगा, ठीक ना, तो वो कैसे करेंगे, जो समीकरण एक से हम लोग माने थे वही वाला हम लोग बैठा देंगे, तब आर एच एस क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया सिद्ध। तो उम्मीद करता हूँ कि ये परिमेय 6.1 को आप लोग समझ गएंगे, अब चाहे तो इसे नोटन या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना, आप लाइन बाय लाइन इस तरह से लिखिएगा, जिस तरह से हम लिखें उस तरह से एग्जाम में लिखिए, क्योंकि एग्जाम ही आपका 5 नंबर्स का आपके एग्जाम में रहता है, झारखंड बोर्ड से हैं तो 5 नंबर का, अदर बोर्ड का है तो पता नहीं हमको, बट इतना आइडिया है कि ये परिमेय 5 नंबर का रहता है, ठीक ना, तो आप इसे नोटन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये परिमेय आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अभी तक रुके हैं तो वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने से बड़ों को सम्मान करिएगा और अपने छोटों को प्यार बांटिएगा। धन्यवाद।